प्रश्नावली 9.1 सवाल नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। पहले आकृति बनाएंगे, देखिए इसमें समझिए आकृति को। ये यहाँ पर एक लाइन खींची हमने ज़मीन के ऊपर, ये 1.5 मीटर लड़के की ऊंचाई है, ये ए से लेकर ई तक भवन है जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर। इसके समानांतर लाइन खींची हमने, ये दूरी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। बी ई हमारा बी जो ई है वो हो जाएगा बराबर है सी डी के, और ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। ए 30 है, 30 मीटर, तो हमारा जो ए बी है ए बी बराबर हो जाएगा 30 घटा 1.5, 28.5 मीटर। यहाँ से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ पे था, यहाँ से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री, वो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचा है बिंदु F तक, तो जो कोण है वो 30 से कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ से ये कोण 60 डिग्री। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। हमें बताना है कि यहाँ से चल करके वो यहाँ पहुँचा है तो ये दूरी एक्स कितनी होगी। ठीक है, त्रिभुज ए बी एफ में, इस त्रिभुज के अंदर हमें पता है लंब और आधार, मान रखे हमने वाई, लंब बटे आधार, लंब है इसमें 28.5 या कहें कि ए बी, आधार है एफ बी बराबर टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी है हमारा 28.5 बटे एफ बी बराबर है वाई, टेंजेंट 60 का मान होगा वर्गमूल 3, आर पर गुणा करने पर वर्गमूल 3 वाई बराबर 28.5, और यहाँ से y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3। अब लिखते हैं त्रिभुज बड़े वाले ए बी सी में, ए बी सी में इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा लंब है और ये इसका आधार है, आधार हो जाएगा x जमा वाई, तो ए बी बटे बी सी बराबर लंब बटे आधार टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी हमारे पास है 28.5 बटे बी सी है x जमा वाई, ये बराबर टेंजेंट 30 एक बटा वर्गमूल 3। इसको सोल्व करने पर आर पर गुणा करेंगे, एक्स जमा वाई बराबर 28.5 गुणा वर्गमूल 3। वाई का मान यहाँ रखेंगे, एक्स जमा 28.5 बटे वर्गमूल 3 बराबर 28.5 वर्गमूल 3। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 28.5 वर्गमूल 3 घटा, इधर आ जाएगा 28.5 बटे वर्गमूल 3, इसमें से हमको मिल लेंगे 28.5, 28.5 बाहर लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पर वर्गमूल 3 घटा यहाँ पर बचेगा 1/√3, और आगे सॉल्व करेंगे इसको,
28.5 लघुत्तम आएगा वर्गमूल 3, इसको भाग देंगे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 घटा 1 एक्स बराबर 28.5 गुणा में 3 माइनस 1 2 बटा वर्गमूल 3, ये हो जाएगा आपके पास 57/3। नीचे प्रीमेकण करने पर नीचे वर्गमूल है तो ऊपर नीचे वर्गमूल से गुणा कर देंगे, 57/3 / 3 कट के आ जाएगा 19/3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स बराबर आया 19/3, यानी कि वह भवन की ओर 19.3 मीटर चल करके गया है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु है यहाँ पर, इसको मान लिया हमने ए, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हमारा भवन है बी से लेकर के सी तक, इसके शिखर के ऊपर, भवन का ये शिखर है बिंदु सी, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी, सी डी हमारी संचार मीनार है, इसके तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से देखने पर इस मीनार के तल का उन्नयन कोण है 45 और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई बतानी है, तो हमने मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई है h, cd हमारी h है, ये h है, bc 20 दिया हुआ है, तो ये bd हो जाएगा h जमा 20 मीटर। आकृति को अच्छे से समझने के बाद हम इसको अब करेंगे। माना मीनार की ऊंचाई, मान लिया हमने h मीटर, त्रिभुज, पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज के अंदर ये हमें दे रखा है, इसको हमने ए बी को हम मान लेते हैं, एक्स मान लो या ए बी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसको लेके चलेंगे लंब बटे आधार, लंब है हमारा बी सी, आधार है ए बी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेंजेंट, टेंजेंट 45 डिग्री, यहाँ से बी सी, बी सी हमारा 20/AB बराबर टेंजेंट 45 का मान 1, हर पर गुणा करने पर ए बी बराबर 20, हमारे पास ए बी का मान आ गया 20। अब त्रिभुज लेंगे बड़े वाले ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार बी डी बटे ए बी बराबर टेंजेंट 60 डिग्री, यहाँ से बी डी है हमारे पास 20 और h, यानी h जमा 20, ये 20 है ये h है, तो बी डी हो जाएगा h जमा 20, h जमा 20 बटे ए बी, ए बी हमारा आया है 20 बराबर टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3, आर पर गुणा करने पर h जमा 20 बराबर 20/3, आर पार गुणा करने पर
यहाँ से हमारे पास h हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 घटा 20। यहाँ से h बराबर, इसमें 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा वर्गमूल 3 घटा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा से देखिए, मीनार की ऊंचाई h मान के चले हैं, ये 20 दे रखा है। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी, बी सी बटा ए बी, लंब बटे आधार टेंजेंट। 20 बटा ए बी बराबर हो जाएगा टेंजेंट 45, यहाँ से टेंजेंट 45 का मान 1, ए बी का मान 20 आ जाएगा। फिर लेंगे त्रिभुज ए बी डी, लंब बटे आधार, लंब है बी डी जो है एच और जमा 20 बटे ए बी जो हमने निकाल लिया 20, आर पर गुणा करने पर एच जमा 20 बराबर 20 वर्गमूल 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 20 कॉमन लिया, वर्गमूल 3 घटा 1, ये हमारा सवाल पूरा होता है। नेक्स्ट है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये एक पेडस्टल है जिसकी ऊंचाई हमने मान ली h, ये बिंदु A है, ये B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। पेडस्टल हमने माना है BC जिसकी ऊंचाई ली हमने h। इसके शिखर के ऊपर एक मूर्ति लगी है जो है CD मूर्ति, जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु, भूमि पर हमने बिंदु मान लिया A। उस A बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति सी डी है जो, इसके शिखर यानी कि डी के ऊपर उन्नयन कोण है ये वाला जो है हमारा 60 डिग्री। इसी बिंदु ए से पेडस्टल का शिखर, पेडस्टल का शिखर होगा सी, इसके उन्नयन कोण है 45 डिग्री। हमें बताना है पेडस्टल की ऊंचाई। माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, h मीटर मान लिया इसको। त्रिभुज, पहले त्रिभुज लेंगे हम ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार टेंजेंट, टेंजेंट 45 डिग्री। बी सी, बी सी हमने निकालना है एच बटा ए बी, ए बी का मान भी हमें नहीं पता, ए बी को हम ए बी रखेंगे, बराबर टेंजेंट 45 का मान 1, आर पर गुणा करने पर एच बराबर ए बी, यानी ए बी और एच की ऊंचाई बराबर है। अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बड़ी त्रिभुज के अंदर वही लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा बी डी, आधार हो जाएगा ए बी, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा, थीटा हमारा है यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर बड़े बड़े में थीटा 60 डिग्री। यहाँ से हमारे पास बी डी, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी है बी सी और सी डी दोनों का जोड़, तो बी डी हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है एच जमा 1.6 मीटर। तो एच जमा 1.6 बटे ए बी बराबर टेंजेंट 60 का मान वर्गमूल 3। यहाँ से h जमा 1.6 बटे ए बी, ए बी का मान ऊपर निकाला हमने h बराबर वर्गमूल 3। यहाँ से r पर गुणा करने पर h जमा 1.6 बराबर वर्गमूल 3 h,
इसको इधर ले आएंगे, एच माइनस वर्गमूल 3h बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे 1.6, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उधर लेके जाइए 1.6 बराबर वर्गमूल 3h माइनस h, इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ से 1.6 बराबर, इसमें h कॉमन लिया, वर्गमूल 3 माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1, नीचे है वर्गमूल, हर का प्रिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 जमा 1 से गुणा, ये आ जाएगा ऊपर हमारे पास 1.6 गुणा वर्गमूल 3 जमा 1 बटे नीचे a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, सूत्र होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा 1.6 वर्गमूल 3 जमा 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, h बराबर यहाँ से आपके पास आएगा 1.6 वर्गमूल 3 जमा 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 2 से हम इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 0.8 गुना वर्गमूल 3 जमा 1। आगे सॉल्व करना चाहो तो इसको वर्गमूल 3 का मान रख करके कर सकते हैं, इतना भी ठीक है। तो हमारे पास जो पेडस्टल है उसकी ऊंचाई हो जाएगी 0.8 गुणा वर्गमूल 3 जमा 1। नेक्स्ट, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सवाल है, आकृति को समझेंगे पहले। ये एक भूमि के ऊपर हमने लाइन खींच ली, ये हमारा भवन है और ये मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दे रखी है। अब मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है जहाँ से शुरू होती है उसका आधार, इस पाद बिंदु से भवन का शिखर, भवन का शिखर है ये, इसको मैं नाम दे दिया बी सी, सी है भवन का शिखर। इस बिंदु ए से भवन के शिखर सी जो का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। दूसरे केस में भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है इसका पाद बिंदु है बी, इससे मीनार का के शिखर, मीनार का शिखर है डी, तो इस बिंदु से मीनार के शिखर डी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर भवन की ऊंचाई बी सी जो हमने एच माननी है उसका मान निकालना है। माना भवन की ऊंचाई h मीटर, ए बी जो भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, इस त्रिभुज के अंदर भी इस त्रिभुज के अंदर भी, ए बी दोनों में उभयनिष्ठ है। सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी के अंदर इस त्रिभुज में, ये लंब है ये आधार है, लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा वो है 30 डिग्री। बी सी का मान हमें निकालना है जो है एच, ए बी का मान भी हमें नहीं पता, ए बी को ए बी मान के चलेंगे। टेंजेंट 30 का मान 1/3, यहाँ से आर पर गुणा करने पर ए बी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 एच, हमारे पास ए बी का मान आ गया यहाँ से।
दूसरी त्रिभुज लेंगे ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज के अंदर लंब बटे आधार, लंब यानी ए डी आधार ए पी टेंजेंट थीटा कितना है 60 डिग्री। ए डी, ए डी हमारे पास है 50 दिया हुआ है बटे ए बी, ए बी का मान हमने अभी निकाला है जो है वर्गमूल 3 एच बराबर टेंजेंट 60 वर्गमूल 3 होता है, और पर गुणा करने पर वर्गमूल 3 एच गुणा वर्गमूल 3 बराबर 50। यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 एच बराबर 50, और यहाँ से h का मान हो जाएगा 50 बटे 3। इसको भाग करना चाहो तो 3 से 3 एकम 3 20, 3 छः 18 2, फिर 0, 3 छः 18 16.6 मीटर लगभग में, अतः भवन की ऊंचाई हो जाएगी 16.6 मीटर। दोबारा से देखिए, भवन की ऊंचाई में निकालनी है एच, त्रिभुज ए बी सी लेके चले, ए बी सी में लंब बटे आधार बी सी बटे ए बी यानी एच बटे ए बी बराबर टेंजेंट 30 एक बटा वर्गमूल 3, हर पर गुणा करने पर ए बी बराबर वर्गमूल 3 एच, त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे आधार ए डी बटे ए बी बराबर टेंजेंट 60, 50 बटे वर्गमूल 3 एच बराबर वर्गमूल 3, हर पर गुणा करने पर 3 एच बराबर 50, एच बराबर 50 बटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आकृति को समझेंगे, 80 मीटर चौड़ी सड़क, सड़क ले ली हमने ए बी जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर, दोनों ओर एक ही सिरे पर एक बी सिरे पर दो खंभे हैं ये ए सी और बी डी समान लंबाई के, मान लिया इनकी लंबाई है एच, ए बी एच दोनों आमने सामने, इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु ले लिया हमने ई, इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 है, तो खंभों की ऊंचाई h बताइए, दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी ये और ये हमें बतानी है। तो हमने मान लिया कि माना खंभों की ऊंचाई h, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की है x, और ये दूरी कितनी हो जाएगी 80 - x, क्योंकि ये पूरी दूरी है 80 मीटर और यहाँ से यहाँ तक हमने माना है x, तो ये बच जाएगी 80 - x, ये हो जाएगा 80 - x। माना खंभों की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ए ई हमने मान लिया एक्स मीटर, ये एक्स, ए बी हमारे पास दे रखा है 80 मीटर, तो ई बी या बी ई हो जाएगा 80 घटा ए बी यानी ए 80 घटा ए ई जो है हमारी x, तो बी ई ये जो लंबाई है ये हो जाएगी 80 घटा x मीटर।
पहले लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में, इस त्रिभुज के अंदर लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर ए सी, आधार है ए ई, लंब बटे आधार बराबर टेंजेंट थीटा जो है 30 डिग्री। यहाँ से ए सी, ए सी हमारे पास है एच, ए ई बराबर है एक्स, टेंजेंट 30 एक बटा वर्गमूल 3, आर पर गुणा करने पर एक्स बराबर वर्गमूल 3 एच, हमारे पास यहाँ से एक्स का मान आ गया वर्गमूल 3 एच। हम लेंगे त्रिभुज, दूसरी त्रिभुज बी ई डी में, इस त्रिभुज के अंदर लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर एच, बी डी आधार है यहाँ पर बी ई, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा 60 डिग्री। ये हो जाएगा बी डी, बी डी का मान है एच बटे बी ई, बी ई ये दूरी एस सी माइनस एक्स बराबर टेंजेंट 60 वर्गमूल 3। यहाँ से आर पर गुणा करने पर एच बराबर आ जाएगा हमारे पास 80 घटा एक्स गुणा वर्गमूल 3, आर पर गुणा करने पर। यहाँ से एक्स का मान इसमें रखेंगे, एच बराबर 80 माइनस एक्स जो है वर्गमूल 3 एच गुणा में वर्गमूल 3। एक्स का मान हमने यहाँ से उठा के इसमें रख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, एच बराबर आ जाएगा 80 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 एच, 3 एच, इसको इधर ले आएंगे। यहाँ से हमारे पास h बराबर हो जाएगा h जमा 3h बराबर 80 वर्गमूल 3, यहाँ से 4h बराबर 80 वर्गमूल 3। h बराबर 80 वर्गमूल 3 बटे 4 और ये आ जाएगा 20 वर्गमूल 3। एच का मान आ गया हमारा यहाँ से 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई आ गई 20 वर्गमूल 3। हमें निकालना है अभी खंबे से बिंदु की दूरी एक्स का मान, तो ये एच का मान यहाँ पे रख देंगे इसके अंदर। यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा एच जो है 20 वर्गमूल 3, 20 वर्गमूल 3, ये हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3, 20 गुणा 3 60। एक्स का मान आ गया हमारे पास 60। इसके बाद ये मान निकालेंगे इस बिंदु से इसकी दूरी, इस खंबे की इस बिंदु से दूरी होगी 60 मीटर। अब इस खंबे की इस बिंदु से दूरी कितनी होगी, 80 ये सारी थी, इसमें से ये है 60, ये कितनी बच जाएगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 60 20, तो जो बी ई है वो हो जाएगा 80 माइनस 60 20 मीटर।